हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं दिल्ली से यूपी। ये मेरी दीदी है और ये मेरी वाइफ है। हम जा रहे हैं गांव घूमने होली पे, तो चलो। हाय सोनाक्षी। हाय। तो फिर हम आ गए नोएडा। नोएडा से हमने गाड़ी बुक करी थी और ये हैं मेरे जीजा के भाई। तो फिर चलो और चलते हैं। इधर खड़ी है दीदी। हाय दीदी। तो चलो अब बैठो, बहुत देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े। तो अब चलो सामान रखते हैं, चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। चलो। फिर हम रास्ते में रुके एक जगह, हमें लगी भूख और हमने खा ली यहाँ पे बिरयानी। और फिर हम बिरयानी खा के, और सोनाक्षी कह रही है शोर कर रहा है, शोर कर रहा है। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ रही थी ना बाहर से, तो वो कह रही थी शोर कर रहा है। तो इधर दीदी, ये बड़ी दीदी है, ये अनीता दीदी, और ये दीदी बड़ी दीदी का लड़का है। तो हमने खा लिया खाना और हम फिर से चल पड़े आगे। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, अभी मैं आगे से दिखा देता हूँ। ये देखो सो रहे हैं और ये पीछे अपने फ़ोन चला रहे हैं, मस्ती से जा रहे हैं, ये दीदी का लड़का। और फिर चलो चलते हैं, देखो आगे सामने कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। मस्त सुबह सुबह का मौसम था और हम मस्त पहुंच गए गांव। चलो मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। तो गाइस हम पहुंच गए घर पे, गांव में दीदी के घर पे। तो ये इस तरह बैठे, ये मेरे जीजा हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और ये दीदी तो पता ही आपको। और ये मेरे गांव में जो दीदी रहती है वो है चाय बना दी। ये मेरी दीदी की लड़की थी और ये चाय। हा। तो ये गीता बैठी है। और गांव पहुंच के मैं पहुंच गया खेत में। खेत में काटी मैंने बरसीन, और बरसीन को उठाने में ये थोड़ी सी ताकत लगी, उठ गई। और फिर उठा के लेके मैं चल पड़ा घर के ओर। और घर पहुंचते ही जैसे मैंने गट्ठर डाले घर पे, अब भाई देखो आगे का सीन दिखाता हूँ क्या होता है पहले के ज़माने में। दीदी बोली कि मैं काटूँगी इस तरह से, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हमारे बड़े बूढ़े जो काटते थे ना घर में, ये वैसे अभी लगा रखा है दीदी ने हमारे घर पे ही, मतलब दीदी के घर पे ही। तो इस तरह से काटते हैं, पहले काटते थे, अब तो फिर मैंने दीदी को बोला मैं लाऊंगा मशीन पे काटूंगा। फिर मैं मशीन पे लेके गया, फिर मैंने वहाँ पे ये खिच 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 मैंने काट दिया इसको सारे को। फिर मैं इसको लेके घर पर आया, भैंस को खवा दिया। अब भाई अगले दिन आ गई होली, तो सब ने होली जलाई, होली खेले, मतलब मिले, और जैसे भी अपना मनाते हैं सब ने एक दूसरे के रंग लगाया, बढ़िया से हो गया। फिर उसके बाद अपने ये सब ने मिलने जुलना करा, अपना जो भी होता है। फिर इस तरह से लग गई इस दीदी के, तो क्योंकि गीता ने तेज से गले लग गई तो दीदी के लग गई। तो अभी ये यहाँ पे होली जलाई थी अपने घर में, ये तो घर की होली थी, बाकी गांव में तो बड़ी होती है। तो ये बड़ी दीदी के गले लगी इतनी तेज से। फिर इन दीदी ने सबको लगा दिया कलर, गीता के लगा दिया और बड़े प्यार से लगाया, और फिर सर्वेश दीदी के भी लगा दिया बड़ी दीदी, और फिर नीता दीदी के भी लगा दिया। और भाई इसके बाद आती है रोहित की बारी, मतलब सर्वेश दीदी का जो लड़का है, बड़ी दीदी का लड़का है वो। और फिर आगे भाई मेरी बारी, ये मेरा भी मुकर दिया। तो भाई ये ठीक था, लेकिन ये कर दी मेरे साथ धोखेबाजी। फिर भाई ये जो बेकार धोखेबाजी करी, गलत हो गया ये तो मेरे साथ। फिर हम गए थे मेरी मौसी के घर पे, वहाँ पे बकरी थी, गीता उससे खेलने लगी। और क्योंकि मेरी मौसी एक्सपायर हो गई थी, उसके पास हम घूमने गए थे, उनके होली थी ना पहली। फिर हमारे गांव में दूसरे दिन के लिए लगा था मेला, होली के दूसरे दिन में हमारे यहाँ मेला लगता है। तो हम गए मेले में, और जैसे ही मेले में गए तो भाई मेले में जाते ट्रैक्टर से गए थे मेले, किसी गांव का ट्रैक्टर जा रहा था उसमें। हाय, ये मेरी दीदी की लड़की है जो गांव में रहती है उनकी। और फिर हम उतर गए ट्रैक्टर से नीचे, जैसे ही हम ट्रैक्टर से नीचे उतरे हमें दिख गए ऊँट घूमते हुए। फिर गीता जिद करने लगी कि नहीं मुझे तो ऊँट पे बैठना है, वो सामने ऊँट हैं, मुझे उस पर घुमाओ। फिर हम चले गए उधर ऊँट के पास में। अब हम यहाँ पे ऊँट के पास में आए, अब ऊँट पे बैठने लगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, अब गांव में तो जानते हो आप, ऊँट पे जैसे ही हम बैठे सब लोग ऐसे देखने लगे। अब फिर हम जल्दी जल्दी से बैठ गए ऊँट पे।
और जल्दी से बैठ के, और फिर मैंने अच्छे से गीता को पकड़ लिया, और फिर अच्छे से मैंने ऊँट का वो डंडा सा होता है ना पकड़ लिया, और उठ गया ऊँट, और फिर हम चल दिए आग घूमने, फिर आगे तक गए लास्ट तक। दो चक्कर लगवाते हैं ये, 30-30 रुपये लेते हैं गाँव में, तो बहुत सस्ता ही था, 30-30 रुपये लिए। और मैं तो पहली पहली बार बैठा था ऊँट के ऊपर, तो और मुझे तो खास ऐसा शौक़ कुछ भी नहीं है कभी भी ऊँट पे, हाथी पे, घोड़े पे बैठने का, क्योंकि ये जानवर हैं क्या पता कब क्या करते हैं भाई, दिमाग ख़राब हो गया, भाग गए कहीं, लग जाए चोट, कुछ भी हो जाए। सच बताऊं भाई, मुझे तो लगता है डर पक्का, ऐसी कोई बात ना है कोई मैं यूँ फेंक मार रहा हूँ क्या कहाँ ऐसे कर रहा, मेरे को लगता है इन चीज़ों से डर। दो राउंड लगा के घूम के हम वापस आए, यहाँ पे रोक दिया, और रखने के बाद हम उतर गए इससे, ये मैं भी उतरा लेके सोनाक्षी के लिए। सोनाक्षी कह रही अच्छा लगा ये ऐसा करके, फिर हम आगे बढ़े, यहाँ सोनाक्षी झूलने लगी इसमें कार वाले झूले में, गोल गोल जो घूमता है। इसके बाद गीता बैठ गए भाई नाव वाले झूले में, नहीं तो जो नहीं आती बैठे तुम बैठ रहे हो झूलने, मुझे लगता है डर भाई, ये जो है ये वाला है नाव वाला झूला और वो चिंडोल झूला नहीं बैठता, मेरे को लगता है डर। फिर भाई यहाँ जो टैटू बनाते हैं ना उसके पास आए हम, और ये कान भी छेद देते हैं, तो दुरिया पहनाते हैं ना कान में वो, फिर इसने दीदी ने अनीता दीदी की लड़की के कान छिदवा दिए, और फिर इसके दुरिया भी डाल दिए उसने साथ साथ, क्योंकि वो साथ में डाल देते हैं ये। फिर हम गए एक जगह और घूमने, वहाँ पे हम बैटरी वाला रिक्शा लेके गए थे, तो जैसे हम एक गांव पार कर रहे थे उस गांव में गड्ढा था, पानी भरा हुआ था, उसमें गिर गया रिक्शा, दीदी के हाथ में लगी बहुत सारी चोट, फिर घर आके दवाई गोली करी, और फिर फाइनली हम 5-6 दिन रुकने के बाद हम निकल पड़े दिल्ली, और ये गाड़ी से फिर हम दूसरी जगह से गाड़ी करी हम वहाँ से गाँव से, और फिर हम आए दिल्ली, ये CNG भरवा रहे थे यहाँ, और दीदी और उनका लड़का और गीता इधर खड़ी थी, एक दीदी शायद अनीता दीदी पानी करने गई थी कहाँ गई थी, पर हाँ फिर फाइनली हम आ गए दिल्ली, और बाय बाय टाटा, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में वीडियो में, और आज के लिए धन्यवाद, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर से करें।